हेलो एवरीवन, मैं सत्यम रावत। आज हम लेके आए हुए हैं हमारे साथी जो कि असिस्टेंट मैनेजर हैं अबेडा में, तो उनसे आप आपका रूप कराएंगे। तो रजित जी, नमस्कार। मेरा नाम रजित बघेल है, मैं विदिशा मध्य प्रदेश का रहवासी हूँ और मैंने बीएससी एग्रीकल्चर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से किया हुआ है। उसके बाद मैंने 2 साल एक एनजीओ है प्रधान, उसमें मैंने जॉब की। अभी वर्तमान में मैं अबेडा में असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट पर। हाँ, तो हमारे व्यूअर्स को थोड़ा सा पहले अबेडा के बारे में बताइए। अबेडा जो कि एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस फूड एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के तहत आने वाली एक स्टेचुरी बॉडी है, जिसका एक काम है कि जो एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट है उसके प्रमोशन और उसके डेवलपमेंट पर वो काम करती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ही एक बॉडी। ये जो अभी न्यूली रिलीज हुआ है अबेडा की वैकेंसी, तो थोड़ा सा इसके बारे में, इसका सिलेबस कैसा है, क्या है सिलेबस, एग्जाम पैटर्न क्या है, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है पूरा, तो उसके बारे में। कि अभी अबेडा में रिक्रूटमेंट के लिए जो नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है, असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट है जो कि ग्रेड बी, ग्रुप बी का और ग्रेड 6 का जॉब है। तो इसमें अभी 5 वैकेंसी अबेडा की तरफ से निकाली गई हैं जिन पर रिक्रूटमेंट होना है। कैटेगरी वाइज उनका अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन है। तो उसमें 2-3, चूंकि इससे पहले अभी बहुत रेगुलर अबेडा का रिक्रूटमेंट नहीं होता है, ये दूसरी बार है। अभी इससे पहले 5-6 महीने पहले इसका रिक्रूटमेंट हुआ था, तो जिसमें इसका सिलेबस, जो नोटिफिकेशन जब आप पढ़ेंगे अबेडा की साइट पर जाकर, तो उसमें उसका विस्तार से सिलेबस के बारे में बताया गया है, उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, उन सब के बारे में विस्तार से बताया गया है। और बाकी आगे सिलेबस के बारे में कुछ मैं बता दूं, तो ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है जिसमें एक ही एग्जाम होगा। एक ही एग्जाम के तहत आपको उसमें एंट्री मिलेगी, उसमें जिसमें कि 100 नंबर का जो कि एग्जाम होगा, जिसमें 4 सेक्शन होते हैं। एक एग्रीकल्चर है जो कि आपके ग्रेजुएशन के लेवल तक का पूछा जाएगा आपसे। दूसरा एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट और अबेडा से जुड़ी हुई चीजों के बारे में पूछा जाएगा। तीसरा जनरल नॉलेज, जीके, रीजनिंग और जनरल मैथ, इन सब के क्वेश्चंस होंगे। और चौथा रिटर्न का उसका एक पार्ट होता है। तो ये चारों का अलग अलग है कि एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट और एग्री अबेडा से जुड़ा हुआ 30 क्वेश्चंस आएंगे जो कि 30 नंबर के होंगे। दूसरा जनरल एग्रीकल्चर जो पूछा जाएगा वो भी, उसके भी 30 क्वेश्चन होंगे। इन दोनों का ही 60% वेटेज होता है। 20 क्वेश्चन जो रहेंगे वो आपके जनरल अवेयरनेस, मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग, इन सब के रहेंगे। बाकी 20 क्वेश्चन उसमें 20 नंबर का जो 2 क्वेश्चन आएंगे जिसमें रिटर्न रहेगा कुछ, उसमें रिसेंट टॉपिक्स पर आपको लिखने के लिए उसमें कुछ लिमिटेड वर्ड्स में बोलेंगे। अच्छा, मतलब कि 2 सेक्शन होगा, मोस्ट आपके जो क्वेश्चन होंगे वो आपके, जैसे बताया 30 अबेडा के बारे में, 30 जनरल एग्रीकल्चर होगा, तो वो एमसीक्यू टाइप का रहेगा, लेकिन जो 20 नंबर के क्वेश्चन होते हैं वो रिटर्न होगा। बाकी फिर ओवरऑल ये सिलेक्शन प्रोसीजर में बस एक ही रिटर्न एग्जाम है, नो इंटरव्यू, सीधे आपके मेरिट बनने की सिलेक्शन। हाँ, लेकिन एक इसमें ध्यान रखने वाली चीज ये है कि जो आपका 80 क्वेश्चन जो रहेंगे ऑब्जेक्टिव, बाकी 20 नंबर का जो 2 क्वेश्चन सब्जेक्टिव होते हैं, तो उसमें जहाँ तक मुझे याद है आपका क्वालिफाइंग कुछ रहता है कि आप वो 80 मार्क्स में से यदि 60% जनरल कैटेगरी से हैं, तो बाकी शायद अदर कैटेगरीज का, उसमें नोटिफिकेशन में पूरा विस्तार से इसको बताया गया है कि अदर कैटेगरीज के जो लोग हैं उनको 50% उसमें मार्क्स लाने होते हैं, तभी आपका रिटर्न का भी कॉपी चेक होगा और उसका मार्क्स इंक्लूड होकर फिर मेरिट बनेगा। अच्छा, ये एमसीक्यू वाले जो क्वेश्चंस होते हैं क्या ऐसा कुछ माइनस मार्किंग ऐसा कुछ होता है? हाँ, माइनस मार्किंग है उसमें, 1/3 माइनस मार्किंग है। तो ठीक है, जैसा बताया रजीत जी ने कि जो भी डिटेल्स हैं वेबसाइट पे अवेलेबल है, तो आप वहाँ से उसका जो एग्जाम पैटर्न है, सिलेबस है, और अच्छे से देख सकते हैं उसको आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो जैसा आपने बताया कि आप अलग ही जॉब में थे, उसके बाद फिर आपने अबेडा की तैयारी कैसे की, इतना बैकवर्ड सिलेबस एमसीक्यू, तो फिर ये जो सफर है आपका उसके बारे में हमारे व्यूअर्स को बताइए। देखिए, थोड़ा मतलब ऐसा होता कि समय कम मिलता है। पहले जॉब, मैंने बताया प्रधान में मैं जॉब कर रहा था,
तो उसी के दौरान मुझे एक दोस्त के जरिए अपेडा के बारे में पता चला, तो इसके बारे में देखा कि किस तरीके का इसका वर्क कल्चर हो सकता है, कहाँ पोस्टिंग हो सकती है, क्या फिर जो बेसिक चीजें हमारे मन में रहती हैं कि जहाँ हम जाना चाह रहे हैं और क्या जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं उस तरीके का है या नहीं, तो उसको देखा, मुझे ठीक लगा कि हाँ ये अच्छा है, मतलब करना चाहिए। लेकिन इसमें एक जो समस्या आ रही थी वो ये थी कि समय थोड़ा कम मिल रहा था। उन मार्च में फरवरी में शायद इसका नोटिफिकेशन आया था और अप्रैल में 30 अप्रैल को इसका एग्जाम हुआ था, समय काफी कम था। और उस दौरान मुझे इसके बारे में पता चला, मैंने फॉर्म भी डाला, तो कुछ इसके पहले इसके एग्जाम्स हुए नहीं थे, तो कहीं से पता भी नहीं चल रहा था क्या सोर्स हो सकते हैं, यहाँ से पढ़ा जाए, क्या पैटर्न होगा एग्जाम, कई मेरे मन में भी सवाल थे। और जब तक एग्जाम नहीं दिया तब तक वो मन में बने ही रहे, लगातार कन्फ्यूजन रहा। लेकिन अब एग्री उसमें लिखा हुआ है जैसे नोटिफिकेशन में कि एग्रीकल्चर का जो एक्सपोर्ट है उसको लेकर, अपेडा को लेकर एग्रीकल्चर, तो एग्रीकल्चर काफी लंबे समय से पढ़ते आ रहे थे तो उसको लेकर कॉन्फिडेंस था कि वो कवर हो जाएगा। अपेडा एक थोड़ा नया लग रहा था उसमें कि एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट के बारे में क्या कैसे पूछा जाएगा, तो उसके बारे में अपेडा की साइट से मैंने थोड़ा उस पर ध्यान देते हुए गूगल करके पढ़ा। आप रिसेंट में अभी एक्सपोर्ट को लेकर हमारे क्या अचीवमेंट्स हैं, क्या विजन है हमारी गवर्नमेंट का एक्सपोर्ट को लेकर, उनके बारे में और जो कुछ आर्टिकल्स थे एग्रीकल्चर से रिलेटेड या एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट से रिलेटेड, एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट को लेकर पॉलिसी क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर अभी क्या काम कर रहा है कर रही है, और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स क्या काम कर रही है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैसे एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट को प्रमोट कर रही है, तो इन सब चीज़ों को मैंने गूगल करके ही पढ़ा। और उसके बाद मैं रहा एग्रीकल्चर का, तो एग्रीकल्चर के लिए तो बहुत सारे सोर्स हो सकते हैं, जनरल एग्रीकल्चर ही पूछा जाता है उसमें, तो एग्रीकल्चर भी कहीं गूगल से ही PDF या नेमरा सुंदा से जो बेसिक चीज़ें थी उनको कवर किया। एक 1.5 महीने का मेरे पास में समय था, तो उसी दौरान जितना मैं कर सकता था उसको। फिर GK GS, तो इन सब चीज़ों पे कॉलेज लाइफ से हमेशा एक नज़र रहती है, इनमें इंटरेस्ट हमेशा से रहा है, तो अभी करंट में क्या चल रहा है वो चीज़ों के बारे में पता था, तो एक कॉन्फिडेंस था कि हाँ कुछ इनसे रिलेटेड आएगा तो कर लेंगे। उसमें जनरल मैथ्स के भी क्वेश्चन है, जनरल इंग्लिश है, तो बहुत हार्ड लेवल एग्जाम में नहीं था उसका, तो वो भी कवर हो गया था। उसके बाद रिटर्न वाला एक पार्ट था, चूंकि हिंदी में मैंने अपना एग्जाम दिया था और हिंदी को लेकर मेरा काफी इंटरेस्ट है, हिंदी लिखने में, बोलने में, पढ़ने में, तो उस समय पे जो आया तो उस समय काफी मिला था, शायद 2.5 घंटे का इसमें रहता है, 80 सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, तो टिक मारना होता है, OMR शीट भरना होता है, तो वो लगभग लगभग आपके 45 से 50 मिनट में हार्डली कवर हो जाते हैं। और उसके बाद में जो 20 नंबर का था, 2 क्वेश्चन रिटर्न, तो 200 या 250 वर्ड्स में उनको लिखना था, तो वो 2 टॉपिक उसमें कुछ पूछा गया था, उसमें 2 टॉपिक पर लिखने को, तो वो भी 250-300 वर्ड में मैंने लिखा था। पहले एक रफ नोटिंग की उस पर लिखा और उसके बाद मैं उसको फिर उसमें से जो जो सेंटेंस डालने थे तो वो फेयर जो सीट था उस पर डाले। यही है, सोर्स भी यही रहा, स्ट्रेटेजी में ये था कि पहले जॉब में मतलब आप 9 to 5 या 10 to 6 जो आप जॉब टाइम है उसके बाद में आपको और बाकी चीज़ें भी करना है, तो रात में 2-3 घंटे 4 घंटे कोशिश करता था कि निकालूं मैं, या फिर जब ऑफिस में भी फ्री है या बीच में टाइम मिल रहा है तो उस पर आप फोन पे, आजकल सब कुछ हो जाता है तो फोन पे भी उसको या चीजों को देखते रहना कि क्या चल रहा है। वो कुछ चीजें थी, मैंने अपनी मतलब पूरे जो 1-1.5 महीने का ये जो जर्नी रहा उसके दौरान एक चीज अपना दिमाग में बिठा के रखी थी कि समय कम है, एग्जाम नया है, पहले से कहीं इसका सिलेबस नहीं है, पहले से एग्जाम पैटर्न कहीं नहीं है, बहुत समय बाद ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट था, असिस्टेंट मैनेजर का शायद पहली बार था ना पिछले 15-20 साल का जहाँ तक मैंने देखा उसमें, तो एक चीज दिमाग में बिठाई थी कि क्या पढ़ना है, इससे ज्यादा जरूरी है क्या नहीं पढ़ना। एग्रीकल्चर बहुत वास्ट है, एक्सपोर्ट भी बहुत वास्ट है, रिटर्न बहुत है, GS जनरल नॉलेज जो उसमें आता है वो भी बहुत वास्ट हो सकता है, तो क्या क्या चुनिंदा चीजें हो सकती हैं जिन पर जो एग्जाम के लिए जरूरी है,
तो मैंने पहले हटाया कि क्या नहीं पढ़ना है, उसमें से फिर देखा कि क्या क्या चीजें अभी जरूरी है पढ़ना, तो उनको फोकस करके पढ़ा था। तो काफी अच्छा रहा, एग्जाम देने के बाद मैं मतलब था कि हाँ ठीक है अपना 100% अपन लेके आए हैं, तो रिजल्ट आया तो वो भी पॉजिटिव ही रहा, तो काफी ठीक रहा। तो ये जो आपने बताया जो रिटर्न का आपने लिखा जो क्वेश्चन आए थे 20 नंबर, तो वो आपने हिंदी में लिखा इंग्लिश में? वो मैंने अपना जो फॉर्म डाला था वो हिंदी से ही डाला था, और मैन जो था वो रिटर्न वाले पोर्शन में ही था कि आपको हिंदी में जिसमें जिस भी आपने मीडियम से फॉर्म फिल किया है उसी में लिखना, तो मैंने हिंदी से किया था, हिंदी से लिखा। बाकी के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं तो वो तो बाइलिंगुअल होते हैं, तो आप कैसे भी मतलब हिंदी में थोड़ा कंटेंट नहीं मिल पाता है एग्रीकल्चर के बारे में, या फिर और भी अपेडा के बारे में भी आप सर्च करेंगे तो हिंदी में बहुत लिमिटेड, कोई भी आर्टिकल पढ़ेंगे तो हिंदी में नहीं। तो हिंदी में मेरा वो फॉर्म फिल करने का बस एक ही उद्देश्य था कि जो रिटर्न वाला पार्ट है उस पर मैं मतलब एक कॉम्पिटिशन में प्लस पॉइंट मेरे पास में रहे, उसके लिए मैंने हिंदी डाला था, वो कि कारगर भी साबित हुआ। तो मतलब कि ऐसा कोई घबराने की जरूरत नहीं है, कोई अगर हिंदी मीडियम से है, नॉर्मली क्या होता है कि लोग एमसीक्यू वाले क्वेश्चंस आप पढ़ लेते हैं तो उसको कर लेंगे, कहीं भी कोई टेक्स्ट मिला, जैसे कोई बताए कोई जानकारी होती है अपेडा के बारे में या कल्चर के बारे में, भी कोई भी ऑथेंटिक बुक होता है तो वो इंग्लिश में ही होती है, तो वहाँ से आप पढ़ के एमसीक्यू वाले क्वेश्चन तो कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी किसी किसी जो हिंदी मीडियम से होते हैं उनको अक्सर लिखने में प्रॉब्लम होती है, तो वो एज ए हिंदी ऑप्ट करके वो अपना रिटर्न बीस नंबर अच्छे से कर सकते हैं। तो फिर और आपका जॉब के बाद आप अभी कैसा फील कर रहे हैं, और आपका जॉब प्रोफाइल मतलब कि आपका जॉब कैसा मतलब लगता है आपको अभी जॉब करते हुए, जो चेंज आपने किया उस जॉब से फिर इस जॉब में, तो उसका अनुभव से? देखिए मैं जैसे पहले दो बार बता चुका हूँ इस वीडियो के दौरान ही कि मैं एक एनजीओ में था जिसका जो कि जिसमें फील्ड वर्क ज्यादा था, जो रूरल डेवलपमेंट पे काम करता था, काम बहुत अच्छा था, सेटिस्फेक्ट्री काम था, उसमें भी सैलरी उसमें भी अच्छा था, लेकिन एक समय के बाद में होता है कि नहीं स्टेबिलिटी चाहिए, तो वो सब चीजें सोचकर यहाँ पे आया, तो उसमें फील्ड वर्क था। यहाँ पे अभी फिलहाल में मेरी पोस्टिंग दिल्ली में ही है। अपेडा का एक अच्छा बात ये है कि बहुत लोगों को बहुत इसका एक हेड ऑफिस है और मेरे ख्याल से 15 या 16 इसके रीजनल ऑफिसेज हैं, तो इसकी पोस्टिंग या तो आपको हेड ऑफिस में होगी या रीजनल ऑफिस में होगी, तो मेरी पोस्टिंग अभी हेड ऑफिस नई दिल्ली में ही है। तो यहाँ का जो काम है वो ऑफिस वर्क ज़्यादा है, डेस्क जॉब है, काम बहुत अच्छा है आपका, थोड़ा बहुत उसमें पब्लिक डीलिंग भी है, लेकिन आप लोग एक्सपोर्टर से डील करेंगे, आप कंट्री के एक्सपोर्ट को इनहांस करने में अपना कंट्रीब्यूशन देंगे, और ये है कि फिर जब आप मेहनत करते हैं, जब आप काम ईमानदारी से करते हैं, तो फिर आपकी जो लिमिट होती है वो आसमान भी नहीं होता, उससे भी ऊँची होती है, फिर आप कहीं भी पहुंच सकते हैं। अभी तक का मेरा जो अनुभव है वो बेहतर है, और जो लोग भी इसकी तैयारी कर रहे हैं उनको भी मेरा यही रहेगा कि आप लोग करिए, भाषा कोई रोधक नहीं होती है, आप जिस भी भाषा से पढ़ना चाहें आप पढ़िए, हिंदी इंग्लिश में बहुत बेसिक डिफरेंस है, और बाकी आप जब क्वेश्चन देखेंगे तो आप हिंदी में भी या जो हिंदी में समझ नहीं आते उनको इंग्लिश से आप अटेम्प्ट कर ही पाएंगे। लिखने में आप जिसमें कंफर्टेबल हो, जरूरी नहीं है कि आप इंग्लिश में लिखेंगे तभी आप बेहतर एक्सप्रेस कर पाएंगे अपने नॉलेज को या जो आप देख रहे हैं आसपास में, जो आपको लगे हिंदी या इंग्लिश में दोनों का उसमें ऑप्शन रहेगा, आप जिसमें बेहतर कंफर्टेबल जिसमें कॉन्फिडेंट फील करें उसको चुनिए, बाकी बहुत सोचने की या बहुत वो करने की जरूरत नहीं है। ये बाकी में आप करना चाहते हैं तो ईमानदारी से 1.5 महीने 2 महीने पर्याप्त हैं। एग्रीकल्चर जितने भी जो लोग होते हैं, एग्रीकल्चर हम लोग सभी पढ़ते हैं जिनका एग्रीकल्चर बैकग्राउंड है, और भी बाकी सारे एग्जाम आप देंगे तो एग्रीकल्चर सबके लिए जरूरी है, तो एग्रीकल्चर वो मोर देन सफिशियंट है जो आपने किसी भी एग्जाम के लिए पढ़ा है, इसके लिए वो पर्याप्त है, ये एग्जाम उसमें कवर हो जाएगा। दूसरा चीज एक्सपोर्ट है, उसके बारे में आपको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, कोशिश करिए कि आप इसमें ज़्यादा बेहतर कर पाएं, क्योंकि 60% यदि आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको क्वालिफाइड मार्क्स लाना पड़ेंगे, 50% आप अदर कैटेगरी से हैं तो आपको उसमें भी लाना पड़ेंगे, तो
बहुत इसके बारे में कहीं इसका पुराना एग्जाम मिलेगा नहीं, एग्जाम पैटर्न भी बहुत कहीं नॉर्मल है, नॉर्मली मिलेगा नहीं आपको। तो कोशिश करिए कि जितना है उसी में हम लोग तैयारी करें, बाकी कॉन्फिडेंस रखिए अपने आप पर। आप सर मेरी तरफ से तो ऑल द बेस्ट आप सभी को। तो ठीक है रचित, जैसे बताया कि सिलेबस थोड़ा कॉम्प्लेक्स होती हुई कल्चर पूछता है, तो एक कल्चर के बैकग्राउंड से ऑलरेडी हम लोग रहते हैं, तो वो क्वेश्चंस अगर रिवीजन कर लेंगे नींदा सुंडा कात्यांश, तो जनरल कल्चर नॉर्मली यही बेसिक बुक होती है, तो यहाँ से कवर कर सकते हैं। बाकी इन्होंने बताया कि जो अपेडा वाले क्वेश्चन जो नॉर्मली एक्सपोर्ट और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री वाले क्वेश्चन है, उसको आप ऑनलाइन या किसी आर्टिकल या न्यूज़पेपर कोई अच्छा फॉलो करते हैं तो वहाँ से आप कवर कर सकते हैं। बाकी फिर वही रिटन वाला पार्ट रहा, तो अगर आप हिंदी में कंफर्टेबल हैं तो हिंदी में आप सुन दीजिए, ऐसा कोई मार्क्स का डिफरेंस नहीं आता है, वो आपके राइटिंग स्किल पर डिपेंड करेगा। तो ठीक है फिर ऑल द बेस्ट बिल्कुल जो भी तैयारी कर रहे हैं पेटा के लिए। होप करते हैं अगर कोई भी आगे आपको कोई प्रॉब्लम या कोई भी क्वेरी होगा तो आप कमेंट बॉक्स में अपना लिख दीजिएगा क्वेरी, तो कोशिश करेंगे।